Hi everyone, myself Sarshad Sheikh. Welcome to my channel Sarshad Sheikh Recipes. आज हम बनाएंगे मोहब्बत का शरबत। आप सभी को पता है अभी रमजान स्टार्ट होने वाला है, हम सब शरबत बनाएंगे इफ्तारी के लिए। मेरी फर्स्ट रेसिपी है रमजान स्पेशल। सब लोग अपने स्टाइल में बनाते हैं शरबत, आज मेरी रेसिपी आप देखिए। चलिए मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा बोल कलिंगड़ ली हूँ छोटे छोटे पीसेस करके, 2 चम्मच सब्जी का बीज, इसे मैंने पानी में भीगने रखा था 10 मिनट पहले, 4 चम्मच रूह अफ़ज़ा, 7 से 8 बादाम रफली चॉप्ड, 1 बड़ा ग्लास ठंडा दूध। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 ग्लास लिए हैं, इसमें हम बनाएंगे मोहब्बत का शरबत। ग्लास में 2 चम्मच कलिंगड़ डालेंगे। मैं डायरेक्टली ग्लास में बना रही हूँ, आप इसे बोल में बना के फिर ग्लास में सर्व कर सकते हो। ये शरबत बहुत जल्दी बन जाता है और पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। हम इसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे 2 चम्मच। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन प्रेस करें जिससे आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। भीगी हुई सब्जी के बीज डालेंगे 2 चम्मच। डेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मेरा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अभी ठंडा दूध डालेंगे इसमें। सब लोग रमज़ान में शरबत बनाते हैं, सबका शरबत बनाने का स्टाइल अलग अलग है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, मुझे बताएं आपको एक रेसिपी कैसी लगी। 1 चम्मच चॉप बादाम डालेंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। आप रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गार्निश करेंगे बादाम से। देखिए मोहब्बत का शरबत तैयार है सर्व करने के लिए। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।